हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी लेके आए हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की समस्या दूर होगी, आपके बालों की लेंथ बहुत ही स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो चलिए इस रेमेडी को बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है लौंग। तो लौंग आपको कम से कम 8 से 10 लौंग ले लेनी है। आधी चम्मच लेना आपको इसको कलौंजी। तो इनको अच्छे से दोनों को कूट कर तैयार कर लेंगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनने वाली है फ्रेंड्स। इस चीज़ का आप तेल बना के अगर अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की लेंथ एकदम स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आपके बालों में एक नई चमक आ जाएगी। लोग पूछने लगेंगे कि आपने लगाया क्या है, कि आपको कोई भी सीरम या कंडीशनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है रेमेडी है जो। तो इस तरीके से कूट कर आप इसको दरदरा इसका पाउडर बना लेना। आपको ज़्यादा बारीक इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको तेल में बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएँगे तो ये इसके न्यूट्रिशन तेल में अच्छे से चले जाएंगे। तो देखिए, हमने इसका दरदरा इसका पाउडर बना लिया कूट के लौंग और कलौंजी को दोनों को। तो कलौंजी को आप इसको ब्लैक सीड्स के नाम से भी इसको ला सकते हैं या आप इसको काला जीरा के नाम से भी जान सकते हैं। आपने कमेंट किया था कि कई लोगों ने कि कलौंजी का नाम, कलौंजी क्या होता है ये। तो अब इसमें डाल देंगे आधा इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया हमने, आधा इंच टुकड़ा अदरक का। जो हमारे बाल अगर बिल्कुल गंजा सिर हो जाता है तो उसमें बाल उगना बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर अदरक का रस को यूज करें तो वहाँ पर बाल दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कूट के इसको तैयार कर लेना है, बिल्कुल दरदरा इसका पेस्ट बना लेना है। और अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें और ट्राई करें। यह हमने ले लिया एक आंवला ले लिया है। तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है तो यह हमारे बालों के लिए एकदम वरदान टाइप का काम करता है। हमारे बालों को बहुत ही मजबूत बनाता है, हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है ये। जो आपके बाल बिल्कुल जड़ से उखड़ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ही कंट्रोल कर देता है। आप इसको आंवले का जूस निकाल के इसमें आप शैम्पू डाल के भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो आपके बाल जो झड़ते हैं शैम्पू करते टाइम में तो वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो देखिए, आंवला भी अच्छे से कूट चुका है और आपको इसका दरदराई पेस्ट बनाना है। ज़्यादा आपको इसको बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तेल में इसको पकाएंगे तो ये तेल इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है फ्रेंड्स कि आप इसको बच्चों से लेके बड़ों तक लगा सकते हैं। आप इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तेल है जो बिल्कुल नेचुरल बन के तैयार होगा। और आप इसको कंटिन्यू अगर अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएँ दूर हो जाएंगी, बाल आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक बर्तन लेना है। आपको इसको, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में इसको पकाइए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा उसमें आयरन पाया जाता है तो वो हमारे बालों में अगर उसके न्यूट्रिशन जाते हैं तो हमारे बाल बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अब इसमें जो हमने दरदरा पेस्ट बना के तैयार किया था तो अब उसको हमने डाल दिया इसमें एक बर्तन में। और अब इसमें डाल देंगे तेल। तो आप तेल या तो नारियल तेल भी ले सकते हैं या आप इसमें सरसों का तेल भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही तेल आप इसमें यूज करें। तो यह हम इसमें डाल दिए सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ही हमारा बिल्कुल ताज़ा घर में बिल्कुल फ्रेश तेल बनवा के तैयार किया हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। इसमें तेल में इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब इसमें डाल दिए हमने नारियल तेल। तो इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें नारियल तेल डाल दिए हैं क्योंकि नारियल तेल में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं तो सर्दियों के लिए हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें 2 चम्मच के करीब हमने नारियल तेल डाल दिया। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे तो जो भी चीज़ें ऐड करें उसका न्यूट्रिशन अच्छे से तेल में चले जा रही है। तेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक वरदान टाइप का काम करेगा। तो आप अगर इसको ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्वान्टिटी को आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको कम से कम इसको 2 बार लगाने के लिए इसको बना रहे हैं तो आपको हफ्ते में कम से कम आप इसको बना लीजिए। अगर आपके पास ताज़ा आंवला नहीं है तो आप इसकी जगह आंवले का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको हो सके तो ताज़ा आंवले का जूस आप इसमें ऐड करें। ताज़ा आंवला इसमें डायरेक्ट यूज करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे क्योंकि आंवले का पाउडर बिल्कुल नेचुरल नहीं आता है। अगर आप इसमें घर में तैयार किया हुआ अगर आंवले का पाउडर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, वो भी उतना ही फायदा करेगा। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल इसको चलाते हुए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे, बिल्कुल अच्छे से जो इसका कलर ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है।
और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें वीडियो, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल अच्छी से लो फ्लेम पे पकने देंगे इसको। 5 से 7 मिनट के लिए आपको बिल्कुल रख के आपको छोड़ देना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके ये पक जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब इसको कोई भी एक बर्तन में इसको छन्नी से छान के भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, या आप कोई कपड़े की मदद से भी बिल्कुल प्योर इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप कपड़े की मदद से ही छान के स्टोर करें, उससे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। तेल है जो उसमें बिल्कुल भी इसके जो न्यूट्रिशन ये जो टुकड़े हैं जो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, तो आप कपड़े की मदद से छान के स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी एयर टाइट कांच की बोतल में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका तेल को निकाल लिया, तो ये आराम से हमारे को 2 से 3 बार तेल आसानी से लगा सकते हैं बालों में। और इसको आपको रात को लगा के सो जाना है, बालों का जो रिजल्ट आएगा आप खुद देख के चौंक जाएंगे। और जब दूसरे दिन अपने बालों को धोएंगे तो आप इसको 1 से 2 दिन लगा के भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको तुरंत लगाए तुरंत धो लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी स्मेल भी नहीं आएगी तेज़ की, आप इसको लगा के रख नहीं सकते क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन जो चीज़ें इसमें आ चुकी है। तो हमारे बालों को जो लगा के आप रखोगे 1 या 2 दिन तो हमारे बालों को बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। और आप इसको लगा के रात को लगा के सुबह धो भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको नहाने से कम इसको 1.5 घंटा पहले आप अपने बालों में अच्छी से मसाज करिए, बट उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हम इसको थोड़ा ज़्यादा देर रखेंगे बालों में लगा के तो बहुत ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल से इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हमारे बाल अगर झड़ते हैं तो उनको कंट्रोल करता है और हमारे बालों में एक बहुत ही अच्छी नई चमक एकदम शाइन लेके आता है। तो आप इस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करें और अपने फैमिली मेम्बर के पास ज़रूर शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेमेडी होती है ये। और अपना फीडबैक ज़रूर दें आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, तो आपके कमेंट पढ़ने से हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप कैसी लगी वीडियो, आपको जो भी कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।